दोस्तों चंद्रयान 3 की मेजर सक्सेस के बाद दुनिया भर से अलग अलग रिएक्शंस आए। किसी ने तालियां बजाई तो किसी को बर्नौल लगाने की जरूरत पड़ गई। मगर चंद्रयान 3 का जश्न खत्म होने से पहले ही इसरो ने 2 सितंबर की सुबह आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया। और रिसेंटली एक ऐसे मिशन की खबर पूरे मार्केट में फैली हुई है जिसे आप चंद्रयान 4 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ये मिशन इसरो द्वारा प्लान किए गए उसके इतिहास के अब तक के किसी भी मिशन से बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। रीजन वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मिशन एक कोलैबोरेटिव जॉइंट मिशन होने वाला है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज साथ मिलकर डेवलप और एग्जीक्यूट करेंगी, जिसमें अमेरिका की नासा, यूरोप की ESA, जापान की JAXA और भारत का इसरो, इन चारों स्पेस एजेंसीज के ब्राइट माइंड्स एक दूसरे के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जिसकी कैपेबिलिटीज अब तक के सभी चंद्रयान मिशन से बहुत ज्यादा होने वाली है। नाउ इस मिशन को लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये मिशन चंद्रयान बैनर के अंदर आएगा, इस मिशन में कोलैबोरेट करने वाली एजेंसीज इस मिशन में क्या क्या प्रोवाइड करेंगी और इसके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद इंडिया ग्लोबल डेवलपमेंट में कहां स्टैंड करेगा। पर आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मिशन को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से देने वाले। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों आज तक जितने भी चंद्रयान मिशंस को इसरो द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है ना, वो सारे के सारे इसरो द्वारा खुद ही मेजरली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उसके मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और पार्ट्स इसरो द्वारा ही बनाए जाते हैं। मगर चंद्रयान 4 इसरो की इस कैपेबिलिटी से थोड़ा सा अलग होगा और एक ज्वाइंट मिशन होने के चलते बहुत से लोग इसे लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एज नोन एज लूपेक्स के नाम से भी बुलाते हैं। अब इस मिशन की बातें चंद्रयान 3 की सक्सेस से बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। टू बी प्रिसाइज, दिसंबर 2017 में इसरो ने जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एज नोन एज JAXA के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट साइन किया था ताकि इस मिशन की प्री फेज ए और फेज ए स्टडी पर काम शुरू किया जा सके। और करीब 3 महीने तक प्लानिंग और स्टडी करने के बाद मार्च 2018 में इन दोनों स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर एक फियाजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब देखो, फियाजिबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस, उसकी कॉस्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट, उसके फायदे और ऐसी तमाम चीजें लिखी होती है। और इस रिपोर्ट में इस पूरे मिशन के बहुत से मेजर यूज केसेस बताए गए थे। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो ये था कि इस मिशन के माध्यम से स्पेस एजेंसीज चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की अवेलेबिलिटी का पता लगाना चाहती है और उसकी क्वालिटी के बारे में भी जानना चाहती है। क्योंकि देखो, चांद पर इंसानों की बस्ती बसानी है, ये सपना आज हर एक बड़ा देश देख रहा है और इसे साकार करने की सोच भी रहा है। मगर बस्ती बसाने से पहले हमें इस बात को एश्योर करना होगा कि हमारे पास ऐसा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज मौजूद है कि नहीं है, जिसके लिए हमें खुद उस जगह पर जाकर इस मामले की जांच करनी होगी। अब बहुत से लोगों को यहां पर कंफ्यूजन ये होगी कि चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का अचीवमेंट तो हासिल कर लिया है और वहां पर सॉइल और केमिकल कंपोजिशन की रिसर्च भी शुरू कर दी है। अब जब ये सब कुछ हो ही गया है तो लूपेक्स का वहां पर क्या काम बचा? और मेरे दोस्त, यहां पर आप चूक गए चंद्रयान 3 की ढंग से स्टडी करने में। देखो, हमारा चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा है ना, वो जगह एग्जैक्टली साउथ पोल नहीं है, बल्कि साउथ पोल के पास का रीजन है। जबकि चंद्रमा को लेकर कहा जाता है कि उसके एग्जैक्ट साउथ पोल्स पर पानी के बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। अब दिक्कत क्या है कि इसरो ने साउथ पोल के पास लैंडर उतार दिया था तो उसे एग्जैक्ट साउथ पोल पर भी लैंडर उतारने में कोई दिक्कत ना होती। मगर बात क्या है ना कि चांद के पोल्स पर कभी उजाला होता ही नहीं है। वो चांद के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में से एक है जहां कभी भी दिन नहीं होता है और सनलाइट नहीं पहुंचती है। और हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की भी यही तो कमी है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही काम कर सकते हैं। और इसी कमी की वजह से चंद्रयान 3 की ड्यूरेशन पीरियड भी केवल 14 दिनों की ही थी। दिसंबर 2018 में इसरो और JAXA ने एक जॉइंट मिशन डेफिनेशन रिव्यू रखा जिसमें यह डिस्कस हुआ कि इसरो का चंद्रयान 2 अगर सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया तो जापान भी अपनी तरफ से इस मिशन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। मगर अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसी हुई नहीं जैसी प्लान की गई थी। देखो, जब सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 क्रैश कर गया तब बातों को थोड़ा होल्ड पर डाल दिया गया क्योंकि इस मिशन के लिए इसरो का चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग कैपेबिलिटीज को डेमोंस्ट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मगर लकीली चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के कुछ ही समय बाद बिना वक्त गवाए तुरंत चंद्रयान 3 पर काम शुरू कर दिया गया और 615 करोड़ के बजट में जहां आज कुछ प्रोड्यूसर्स ढंग से पिक्चर नहीं बना पाते, वहां इसरो ने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। अब अगर आप समझ
समझ गए हो तो उन पिक्चर्स का नाम कमेंट्स में लिख सकते हो। अब जरा यहाँ पर ट्विस्ट देखो, जो मिशन शुरुआत से ही इसरो और जापान के बीच हो रहा था उसमें साल 2019 आते आते नासा का भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जिसके तहत 24 सितंबर 2019 के दिन नासा ने जापान के साथ इस मिशन को ज्वाइन करने के डिस्कशन को शुरू किए और लेटर ऑन सबकी सहमति के साथ नासा भी इस मिशन में एक पार्शियल हिस्सेदार बन गया। खैर देखो, अभी तक आपने ये तो समझ लिया होगा कि इसमें कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, मगर वो देश इस मिशन में क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है और इसकी बहुत सी डिटेल्स हमको दी जा चुकी है। देखो, सबसे पहले तो सारे के सारे देश लगातार ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे हैं जो ना सिर्फ चांद के अंधेरे में -180 डिग्री सेल्सियस का तापमान रेजिस्ट कर सके, बल्कि साथ ही साथ उन एजेंसीज द्वारा ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने पर भी काम किया जा रहा है जो सनलाइट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लूनार पोल्स में कहीं कहीं पर सनलाइट बिल्कुल भी रिसीव नहीं होती है। इस रिसर्च के अलावा अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग स्पेस एजेंसीज को बांट दिए गए हैं। पूरी दुनिया में इसरो जाना जाता है कम खर्चे में बेहतरीन चीजें डेवलप करने के लिए, और इसी कैपेबिलिटी की वजह से इसरो इस मिशन का लैंडर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा, जहां इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसरो वापस से बहुत कम कॉस्ट में एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करके इस मिशन को सक्षम बनाएगा। अब लैंडर के बाद जो इक्विपमेंट किसी भी रिसर्च मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, वो है उसका रोवर। अब जहां एक मेजर इक्विपमेंट की जिम्मेदारी इसरो ने संभाली है, तो वहीं दूसरे मेजर इक्विपमेंट यानी कि रोवर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम जैक्सा देखेगा। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल भी जापान की तरफ से ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स आती रहती है, मगर इसको लेकर अभी भी कुछ कंफर्मेशंस नहीं दी गई है। अब लैंडर की सटीक लैंडिंग करवाई जा सके इसके लिए एक एनहांस्ड फीचर मैचिंग एल्गोरिदम और नेविगेशनल इक्विपमेंट को इसरो के लैंडर में यूज किया जाएगा, और यही एल्गोरिदम और इक्विपमेंट जापान के अपकमिंग मून मिशन स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून एज नोन एज स्लिम में भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके रिजल्ट्स हमें आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएंगे। इसके अलावा इसरो को यह भी टास्क दिया गया है कि इस बार उनका लैंडर इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो कम से कम 350 किलो के पेलोड को संभाल ले। देखो, हमारा प्रज्ञान रोवर सिर्फ और सिर्फ 26 किलो का था, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशंस लैंडर के लिए रखी गई तो हो सकता है कि जापान का रोवर प्रज्ञान से बहुत ज्यादा भारी भी निकल जाए। अब दोस्तों, लैंडर की बात हो गई, रोवर की भी बात हो गई, तो चलो बात करते हैं इस मिशन के पेलोड्स पर जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूड होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है इसरो द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो रोवर के ट्रैवल करते वक्त उसके नीचे के 1.5 मीटर के जमीनी हिस्से को स्कैन करके उसके डेटा को धरती पर भेजेगा। फिर रोवर में लगाया जाएगा नासा द्वारा दिया गया न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, जो रोवर के ट्रैवल करते वक्त उसके नीचे की जमीन में हाइड्रोजन को स्कैन करने की कोशिश करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर एल बैंड, जो प्लान तो किया गया था रूस के लूना 27 मिशन के साथ भेजने के लिए, लेकिन चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के साथ संबंध इस वक्त पूरी दुनिया से खराब है, इसलिए यूरोप अपने इक्विपमेंट्स को लूना 27 से हटाकर इस मिशन के लिए दे सकता है। एडवांस्ड लूनार इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी इस मिशन में अटैच किया जाएगा, जो EMSL के साथ मिलकर सरफेस गैस प्रेशर और केमिकल स्पीसीज मेजरमेंट के काम को अंजाम देगा। इसके बाद के सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून्स एक्वाटिक स्काउट, जो चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बाद उसकी क्वालिटी की जांच करेगा, उसे भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये अंत नहीं है, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर जो लूनार सॉइल में अल्फा पार्टिकल्स की जांच करेगा और डीके चेन को स्टडी करेगा, वो भी भारत का PRL ही दे रहा है। लो एनर्जी गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो वहां के लो एनर्जी गामा रेज को डिटेक्ट करके वहां की हैबिटेबिलिटी के चैलेंजेस को स्टडी करेगा, इस इक्विपमेंट को भी PRL ही दे रहा है। लूनार माइक्रोमीटियोराइट एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह पर गिरने वाले माइक्रोमीटियोराइट्स को स्टडी करके उनके कॉम्पोजिशन, उनके मास और उनके डायमेंशंस की जानकारी देगा, इस इक्विपमेंट को भी PRL यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ही प्रोवाइड कर रहा है। इवन लूनार इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह पर चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस को स्टडी करेगा, वो इक्विपमेंट भी PRL द्वारा ही बनाया जा रहा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत का योगदान इस मिशन में सिर्फ और सिर्फ लैंडर प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत का योगदान इस पूरे मिशन में बहुत से क्रूशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का भी है, जिनके बिना चांद की सतह पर पानी की खोज को पूरा करना संभव ही नहीं है। अभी साल की शुरुआत से ही इस मिशन को लेकर तेजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां भी अप्रैल 2023 में ही जैक्सा के वैज्ञानिकों की एक टीम लूपेक्स की प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए भारत आई थी, और क्योंकि भारत के इन्वॉल्वमेंट की वजह से
से ना सिर्फ इतने सारे इक्विपमेंट्स के बावजूद इस मिशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लक्ष्य को बिना किसी दिक्कत के अचीव किया जा रहा है, बल्कि भारत इस मिशन के मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट को भी आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से भारतीयों के अलावा दुनिया में भी बहुत से लोग इस मिशन को चंद्रयान 4 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से इस वक्त भारत की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेंस है ना, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर इसे ऑफिशियली हमारी सरकार चंद्रयान 4 का नाम दिलवा दे तो। हालांकि अभी तो इस मिशन को साल 2025 से 2026 के बीच लॉन्च करने के लिए प्लान किया जा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या इसरो को इस तरह के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने चाहिए या सोल मिशंस एग्जीक्यूट करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।